गुजदार बतौर एक्टिंग वज़ीर आला बहाल हो चुके हैं। अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इलेक्शन के जरिए दोबारा इंतखाब होगा। अदालती फैसले के बाद एडवोकेट अज़हर सिद्दीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असेंबली के मुनर्रिफ 25 अराकीन को फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस आ जाएंगी। 5 मखसूस नशस्तें PTI को वापस मिल जाएंगी। पाकिस्तान 1973 की असल रूह बहाल कर दी है, जमहूरियत बहाल कर दी गई है और पाकिस्तान के अंदर जो लूट खसोट करने वाले थे या पैसे लेके वोट लेने वाले थे या जमीर के नाम पर सौदे देने वाले थे वो हमेशा के लिए दफन हो गए। आइंदा से वोट जो डिफेक्शन करेगा, जो मुनरफ होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुनरफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा, वो गिना नहीं जाएगा। और यूं हुकूमत पंजाब या हमजा शरीफ जो वजीर आला पंजाब बने हुए थे 195 वोटों से 25 मुनरफ अराकीन के वोटों से वो उसमें से निकल चुके हैं और इस वक्त उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। 172 वोट सादा अक्सरियत में नहीं बनते हैं। तो इस फैसले के बाद उस्मान बुज़दार साहब जो एक्टिंग वजीर आला के तौर पर काम कर रहे थे वो बहाल हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।